आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग चतुर्थ पाठ चत्वारो वेदाः जिसका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है उसके अभ्यास कार्य का, अभ्यास कार्य में मौखिक और लिखित दोनों ही प्रकार के प्रश्नोत्तर हैं, इन सब का हम अध्ययन करेंगे जो हमारे आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस पाठ से प्रश्न आता ही है, चाहे वह प्रश्न उत्तर लिखने के लिए आए या ऑब्जेक्टिव आए, लेकिन इस पाठ से प्रश्न आता ही है। इसलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप भली प्रकार देखें, समझें। हम प्रयास करेंगे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो ऊपर लिखा है यहाँ चतुर्थ पाठ चत्वारो वेदाः और इसका अभ्यास मौखिक, आपके पास पाठ्य पुस्तक है, आप देख सकते हैं। मौखिक अभ्यास जब आरंभ होता है तो उसका पहला प्रश्न है उत्तराणि वदत, यानी उत्तर बोलिए, और क प्रश्न है मौखिक अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1 का क प्रश्न है अस्माकं प्राचीना संस्कृतेः कुत्र सुरक्षिता अस्ति। अस्माकं हमारे, इसके हिंदी अर्थ को भी भली प्रकार से आपको समझना है ताकि संस्कृत हमारे सभी बच्चे बढ़िया से नहीं जान पाते। तो हिंदी अर्थ भी यदि हम जानते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं आज जो आज प्रश्न उत्तर लिखने के लिए भी आ रहे हैं उनमें, गद्यांश तो आपको लिखना होता है, पत्र लेखन लिखना होता है संस्कृत में, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 50 नंबर के हैं वह हिंदी में प्रश्न होता है, हिंदी में ही उत्तर लिखना होता है। और वो ऑब्जेक्टिव कहाँ बनाता है, इसी अभ्यास से बनाता है। इसलिए इसकी हिंदी अर्थ को हम समझाने का प्रयास आप लोगों को कर रहे हैं। तो क लिखा अस्माकं प्राचीना संस्कृति कुत्र सुरक्षिता अस्ति, हमारी प्राचीन संस्कृति कहाँ सुरक्षित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वेदेषु, वेदों में। हमारी प्राचीन संस्कृति कहाँ सुरक्षित है, वेदों में सुरक्षित है। ख प्रश्न है वेदाः कति सन्ति, वेद कितने हैं, जानते हैं हम लोग वेद कितने हैं, वेद कितने हैं, 4, और उसी 4 को संस्कृत में लिखेंगे क्या, चत्वारः। वेदाः कति सन्ति चत्वारः, यानी वेद कितने हैं, 4। ग प्रश्न है हमारा ऋग्वेदः कीदृशान् मन्त्रान् धारयति, ऋग्वेद कैसे मंत्रों को धारण करता है, तो हमारा उत्तर होगा प्राचीनतमान, यानी प्राचीनतम। ऋग्वेद प्राचीनतम मंत्रों को धारण करता है। घ प्रश्न है हमारा ऋग्वेदे कति सूक्तानि सन्ति, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा, 1028 सूक्तानि, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10552 ऋचाएं हैं। गद्यांश जब हम लोग पढ़ रहे थे इस पाठ का उसमें हम लोगों को पढ़ने को मिला था। आगे अंग अंग कहता है कि यजुर्वेदे कति अध्यायाः सन्ति, यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं, तो उत्तर क्या है, 44, यानी 40, यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। और दूसरा प्रश्न है हमारा वेदांगानाम नामानि वदत, वेद के अंगों के नामानि वदत, नाम बोलिए, तो वेदांग कितने हैं, 6 हैं, और नाम इनके क्या क्या हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष, एकदम याद कर लेंगे, यह परीक्षा में आता ही है, आएगा ही। अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं अभी संस्कृत का पाठ्य पुस्तक पढ़ा रहा हूँ, इसके पूर्व मैं आपके सिलेबस के अनुसार संधि समास कारक उपसर्ग प्रत्यय प्रत्यलेखन अनुच्छेद इस सब को भी पढ़ा करके मैं इस चैनल पर आपको बता दिया हूँ। तो आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़िए, और कक्षा 9वीं और 10वीं वर्ग के जो छात्र हैं उन्हें भी जुड़ने के लिए कहिए, वह भी सब्सक्राइब करें, पढ़ें, आप ही लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। आगे देखते हैं हम,
आगे अब हमारा लिखित अभ्यास आरंभ हो जाता है और लिखित अभ्यास का पहला प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। तो का हो गया हमारा, संसारस्य प्राचीनतमं साहित्यम कुत्र उपलभ्यते। संसार का प्राचीनतम साहित्य कहाँ उपलब्ध होता है? उत्तर क्या हो जाएगा? ओम संसारस्य प्राचीनतमं साहित्यम वेदेषु उपलभ्यते। संसार का प्राचीनतम साहित्य वेदों में उपलब्ध होता है। ख प्रश्न है ऋग्वेदः कति मंडलेषु विभक्तः। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है, बटा हुआ है? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम? ऋग्वेद दशसु मंडलेषु विभक्तः। ऋग्वेद दस मंडलों में विभक्त है, अर्थात बटा हुआ है। फिर हम ग प्रश्न में आ जाते हैं। कहता है सामवेद ऋग्वेदस्य कीदृशः मंत्रः संकलितः। सामवेद में ऋग्वेद के कैसे मंत्र संकलित हैं? तो इसका उत्तर क्या लिखे हम? सामवेद ऋग्वेदस्य गेयात्मकः मंत्रः संकलितः। सामवेद में ऋग्वेद के गेयात्मा के यानी गान करने योग्य मंत्रः संकलितः, मंत्र संकलित है। घ प्रश्न है आगे। यह कहता है कि अथर्ववेदस्य द्वादशे कांडे कस्याः स्तुतिः। अथर्ववेद के द्वादशे कांडे बारहवें कांड में किसकी स्तुति है? अथर्ववेद के बारहवें कांड में किसकी स्तुति है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अथर्ववेदस्य द्वादशे कांडे मातृभूमेः स्तुतिः। अथर्ववेद के बारहवें कांड में मातृभूमि की स्तुति है, भारत माता की स्तुति है, हमारी जननी की स्तुति है। फिर आगे आते हैं हम अंग प्रश्न में। और अंग कहता है वेदांगानि कति सन्ति तेषां नामानि लिखत। वेदांग कितने हैं, उनके नाम लिखें। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? वेदांगानि षट् सन्ति, वेदांग छह हैं, तेषां शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिषम च इति नामानि सन्ति। अभिमौखिक अभ्यास का भी दूसरा प्रश्न था कि वेदांगों के नाम लिखें। फिर आ गया कि वेदांग कितने हैं, उनके नाम लिखें। तो वेदांग छव हैं, उनके नाम हैं शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष। एकदम याद कर लेंगे, इसको नोट कर लेना है, रट जाना है। परीक्षा में बढ़िया अंक यदि अर्जित करना है तो संस्कृत ऐसा विषय है कि वह गणित की तरह आपको अंक प्रदान करता है। कब? जब आप सही सही शुद्ध शुद्ध लिख लेंगे तब। तो बढ़िया से पढ़िए इसको, जो आपको उचित लगे नोट कर लीजिए। एक बार में नहीं समझ में आता है, दो बार सुनिए, लेकिन पढ़िए और अच्छा अंक अर्जित कीजिए। आगे दूसरा प्रश्न है हमारा, संस्कृते अनुवादम करो, संस्कृत में अनुवाद करें। पहला क्या है? वेद चार हैं। वेद वेद जो है एक तो है नहीं, चार है, बहुवचन है, तो क्या लिख देंगे? वेदाः चत्वारः सन्ति। वेद चार हैं, वेदाः चत्वारः सन्ति। ख अनुवाद है हमारा, वेद संसार का सबसे प्राचीन साहित्य है। तो ये क्या बना देंगे हम? वेदः संसारस्य प्राचीनतमं साहित्यमस्ति। वेद संसार का प्राचीनतम साहित्य है, संसार का षष्ठी नहीं संबंध कारक। कारक प्रकरण का आप अध्ययन कर लें, मैं आपके सिलेबस के अनुरूप कारक प्रकरण का अध्ययन कराया हूं। इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक अवश्य आपको प्रदान करूंगा। कारक प्रकरण का जब आप भली प्रकार अध्ययन कर लेते हैं तो आपको अनुवाद बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अथर्ववेद में लौकिक विषय आए हैं, अथर्ववेदे लौकिकम विषयम वर्णितः अस्ति। अथर्ववेदे अथर्ववेद में अधिकरण का चिन्ह है, तो यहाँ क्या हो गया? अथर्ववेदे बालके, क्या अर्थ निकलता है? बालक में। तो अथर्ववेदे
लौकिकम विषयम वर्णिता अस्ति। और अंगा है हमें वेद पढ़ना चाहिए, वयम वेदान पठितव्यम, नहीं तव्य तव्यत। और अनियर प्रत्यय का प्रयोग जो है जब हिंदी क्रिया के अंत में चाहिए लगा हो तो किया जाता है। इसको इसका भी मैं प्रत्यय का भी अध्ययन कराया हूं। तो वयम वेदान पठितव्यम, हम लोगों को वेद पढ़ना चाहिए या हमें वेद पढ़ना चाहिए। यहीं तक हम लोगों का यह छोटा सा अभ्यास कार्य था इस पाठ का। इसे बढ़िया से समझेंगे आप। यदि मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आया हो आप अवश्य लाइक करेंगे, हम समझेंगे कि हमारा मेहनत हमारे छात्रों के लिए सार्थक है। और भी जो मित्र हैं आपके उन्हें भी इस वीडियो को अवश्य शेयर करें ताकि वह भी अध्ययन करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। अन्य भी जो 9th-10th के बच्चे हैं उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और यदि आपको कहीं कोई समस्या समझ में आती है तो आप निःसंकोच बेहिचक कमेंट कीजिए कि सर हमको ये बात समझ में नहीं आई है, हम एकदम आपके कमेंट का उत्तर देंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं हम 5वां पाठ के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।